देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है माननीय राष्ट्रपति से बीके सदस्यों की मुलाकात। हाल ही में देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का हरियाणा के करनाल स्थित नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आना हुआ। NDRI में आयोजित दीक्षांत समारोह में ब्रह्म कुमारीज भी विशेष रूप से आमंत्रित थे। कार्यक्रम से पूर्व माननीय राष्ट्रपति जी से सेक्टर 9 की प्रभारी बीके निर्मल, निसिंग सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल, बीके रामभुल एवं डॉक्टर बीके अवतार सिंह ने स्नेह भरी मुलाकात कर उनका स्वागत सत्कार किया एवं संक्षिप्त में ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी दी। Y20 के तहत आयोजित हुए कई कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के मंडला में संस्था के युवा प्रभाग एवं भारत सरकार के खेल मंत्रालय दोनों के समन्वय से कार्यक्रम आयोजित किया गया। हेल्थ वेलबीइंग स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ विषय पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुए इस आयोजन को मंडला क्षेत्र की प्रभारी बीके ममता, पड़ाव वार्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमलता, पुणे से आई बीके नीलम ने संबोधित किया। जो सारे विश्व में भारत देश का नाम हम रोशन कर सके, विश्व गुरु हमारा भारत है ही और फिर से बन सके और यही भारत पुनः देव भूमि देवी देवताओं की भूमि बन सके, तो जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा कार्य करने के लिए हमें आध्यात्मिक मार्ग चुनना पड़े या कोई पॉलिटिशियन लीडर बनना जरूरी है या कोई समाज सेवी बनना जरूरी है। कुछ भी बने परंतु हम अपने फोकस के ऊपर ध्यान दें। एक ऐसे समाज की स्थापना करना जो सबको साथ लेकर और सफलता के राह पर ले जाए। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान की एक भगिनी संस्था है, जैसे भाई ने बताया, राजयुगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत 30 वर्ग है। अवसर पर मुख्य अतिथियों में जिला न्यायाधीश सचिव DR कुमरे, 35वीं बटालियन ग्वारा से पुलिस कमांडेंट निवेदिता नायडू, गर्ल्स कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे, पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रिंसिपल RK परोहा की मौजूदगी रही। हम सब युवाओं की ओर आशा भरी आंखों से निहारते हैं क्योंकि आप ही हमारा भविष्य है। लेकिन बेटी युवा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मनुष्यता के लिए, धर्म के लिए, आध्यात्म के लिए करीबन 250 से अधिक युवाओं ने समय, संबंध, संकल्प एवं स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस आयोजन के तहत आगे भी सेमिनार, डायलॉग्स, कॉन्फ्रेंस, रिट्रीट के द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा। युवाओं को नशा मुक्त बनाने की कोशिश। ऐसे ही आगे हरियाणा के करनाल में भी Y20 प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री तथा युवा मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन से युवाओं के लिए कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में BJP प्रवक्ता एवं हरियाणा ग्रंथ एकेडमी के डिप्टी चेयरमैन प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान ने युवाओं में ऊर्जा भरते हुए कहा कि हमारा भारत विश्व गुरु रहा है, जीते जी पुनः हमें इसे विश्व गुरु जरूर बनाना है। भारत को अगर परम वैभव पर जाना है तो वो अपनी युवा शक्ति के दम पर जा सकता है। इसलिए प्यारे युवा साथियों, हमें अपनी तमाम ऊर्जाओं को समेट कर, संजो कर अगले 25 वर्ष किस काम में लगाना है? भारत के उत्थान के मिशन में समर्पित करना है। हम सबको अपने लिए पर्सनल सपना देखना चाहिए 25 सालों में। अवसर पर वरिष्ठ राजयोगी बीके अरुण, स्थानीय प्रभारी बीके प्रेम ने अपने वक्तव्य में कहा कि युवाओं में सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन पावर व विल पावर स्ट्रांग होने के लिए राजयोग अभ्यास कारगर है। आज घर के अंदर बाबा के, परमात्मा के घर के अंदर आए हैं, ऐसे विद्यालय के अंदर आए हैं जिसके ऊपर हम अपनी कमियों को नियंत्रित करते हैं। तो आज आप एक संकल्प करेंगे क्या कि जितना जो हम खा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आज से हम कम करना शुरू करेंगे। कर सकते हैं ये? आज खड़ा करो, जो कहते हैं हम आज ये संकल्प करेंगे कि जो क्या मोबाइल यूज कर रहे हैं या अपना जंक फूड खा रहे हैं उसमें हम कम करना शुरू करेंगे। सर्वांगीण विकास की बात तो हम सबके सामने है ही है, उसमें हमें प्ले भी करना है, एंजॉय भी थोड़ा बहुत टाइम करना है, क्योंकि ज्यादा ही स्ट्रेस ले लेंगे पढ़ाई का तो वो भी थोड़ा, क्योंकि बैलेंस हर चीज का चाहिए होता है और बैलेंस से ही व्यक्ति के जीवन में बैलेंस ब्लेसिंग प्राप्त होती है। तो इसलिए ऐसा बैलेंस्ड लाइफ हो हमारा, परंतु मतलब खास ध्यान देने का बात ये है कि ये हमारा जो पीरियड है ये बड़ा ही अमूल्य है। आयोजन में आगे नशा मुक्ति की स्किट द्वारा सभी को अवेयर किया गया।
डीएवी विमेन कॉलेज, खालसा कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, विवेकानंद स्कूल व अन्य कई कॉलेज व स्कूलों के सैकड़ों युवाओं ने इस कार्यक्रम में प्रतिभागी बनकर लाभ लिया। मुंबई घाटकोपर से वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके शकू के निर्देशन में नई मुंबई स्थित बालेगांव में स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए विशेष सेशन का आयोजन किया गया। दो दिवसीय डिस्ट्रेसिंग एंड एनहांसिंग इनर पावर पर सभी को मार्गदर्शित किया गया, जिसमें करीबन 200 से अधिक पुलिस ट्रेनी तथा PSI ने भाग लिया। डॉक्टर अखिल शास्त्री द्वारा डांस थेरेपी के माध्यम से स्ट्रेस फ्री रहने के गुर सिखाए गए, तो वही बीके संगीता ने राजयोग मेडिटेशन की विधि बताते हुए तनाव मुक्त स्थिति की अनुभूति कराई। इस सेशंस में असिस्टेंट कमांडेंट आनंद जाधव, सुरेंद्र शिंदे, सब इंस्पेक्टर अंबावने, अविनाश तांबे भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत फरीदाबाद के पंडित LR कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में ब्रह्मा कुमारीज के संजय एनक्लेव सेवा केंद्र द्वारा एक सेमिनार का आगाज किया गया, जिसका विषय रहा नशा मुक्त भारत। सेमिनार की शुरुआत कॉलेज के डायरेक्टर RP आर्या, प्रोफेसर BR बुंदेल, बीके ज्योति, बीके सुधा और बीके शोभा द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुई, जिसके पश्चात संस्था की गतिविधियों से सभी को अवगत कराया गया। वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके ज्योति ने अपने वक्तव्य से युवाओं को प्रेरित किया। अंत में कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवाओं ने नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा भी की। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित सभी टीचर्स को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इस कार्यक्रम का लगभग 200 विद्यार्थियों और टीचर्स ने लाभ लिया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड इंदौर द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में शासकीय संस्कृति महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। अवसर पर कालारी नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके जयंती, बीके सुजाता, उज्जैन संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत कर अपने विचार रखे। बीके जयंती ने आदिगुरु शंकराचार्य जी के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डाला तथा उनके समान अपने जीवन को ऊंचा और उदाहरण मूर्त बनाने की प्रेरणा दी। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग एवं स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा वार्ता का आयोजन NIT कुरुक्षेत्र के विजडम हॉल ऑफ थॉट लैब में किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के करीब 50 छात्र छात्राएं मौजूद रहे, जिन्हें NIT कुरुक्षेत्र में थॉट लैब की ईश्वरीय सेवाओं के समन्वयक बीके शिवाली ने राजयोग कमेंट्री से आंतरिक शक्तियों का अनुभव कराया, साथ ही सकारात्मक विचारों के द्वारा वातावरण में अच्छे प्रकंपन फैलाने की प्रेरणाएं दी। अवसर पर स्टूडेंट वेलफेयर के डीन डॉक्टर दीक्षित गर्ग, डॉक्टर संदीप गुप्ता समेत कई विशिष्ट जन उपस्थित रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।